Assalamualaikum. Welcome back to our channel Theory Side. So mute entry test 23 20 जून के आज के MCQs हैं. तकरीबन मुझे 30 प्लस मिले हैं तो डिस्कस कर लेते हैं. Newton into meter is a unit of dash. Right answer is D work. Torque का भी होता है और work का भी. Unit of frequency is dash. Right answer is A hertz. Endorse synonym. Right answer is A witness. Imminent synonym. Right answer is A significant. Transgenic process. The gene is transferred to dash. Right answer is B acceptor. इसकी details मैंने लिखती है यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा. When the sunlight falls on soap film, we see the different colors dash. Right answer is D none of these क्योंकि interference right answer होता है इसका. Unit of kinetic energy is dash. Right answer is A joule या फिर न्यूटन into मीटर भी कह सकते हैं. If the linear momentum is constant, dash momentum will also remain constant. Right answer is A angular. Flower consists of dash. Right answer is A petals of flower. लेकिन जो है इसमें ये देखें कि जब मैंने सर्च किया तो ये तीनों आ रहे थे ऑप्शन, तो आई डोंट नो कि यहाँ पे ऑल ऑफ दीज था या फिर ये नन ऑफ दीज था. अगर नन ऑफ दीज हो तो फिर ये इसलिए कर लेना, अगर ऑल ऑफ दीज हो तो सारे इसलिए कर लेना. ये मैंने लिखती है डिटेल पढ़ लें. Formula for decine is dash. Right answer is C10H18. Saturated compound is dash. तो इसमें जो है कोई ऑप्शन नहीं मिला मुझे आंसर, तो मैंने जो है यहाँ पे लिख दिया इसका फार्मूला कि CnH2n+2. तो हो सकता है ये वाला इस पे लगे, तो आप जो है वो ट्राई करके देख लीजिएगा, शायद ये हो, मुझे कंफर्म नहीं है इसका. अगर किसी को कंफर्म हो तो कमेंट कर ले. इकोलॉजी इज रिलेटेड टू डैश. राइट आंसर इज ए एनवायरमेंट. एसिड बेस रिएक्शन इज डैश. सो एसिड बेस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं. इसमें कोई ऑप्शन नहीं था, अब मुझे नहीं पता इसमें से कौन सा हो सकता है, शायद ये हो, तो आई डोंट नो. तो इसलिए जो है ये जो है आप देख लीजिएगा इसको, डिटेल्स में ये था. इफ द कार इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, व्हाट इज द टाइप ऑफ मोशन? राइट आंसर इज ए रेक्टिलिनियर मोशन. इफ द प्रेशर इज केप्ट कॉन्स्टेंट, व्हाट इज द ग्राफ ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर? राइट आंसर इज ए लीनियर. What is the function of bacterial cell wall? Right answer is C support. ये इसकी डिटेल है, आप देख लीजिएगा इसको. What is the outermost layer of plant? Right answer is B cell wall. Acceleration along the x component of projectile is dash. Right answer is B0. ये भी देख लीजिएगा कि y component में कितनी होती है. Petroleum gives the raw material for dash. Right answer is C plastic. Who stopped the function of catalyst? तो मुझे इसका वो नहीं मिला कोई ऑप्शन, तो ये मैंने जो है 3 लिख दिए हैं इसके ऑप्शन. आप लोग पढ़ लीजिएगा, कोई सा भी ऑप्शन आ सकता है, मुझे इसका आइडिया नहीं था आंसर का. डीएनए कंसिस्ट ऑफ डैश. राइट आंसर इज डी ऑल ऑफ देम. सब जो है ना चीजें आती हैं उसमें. एम्फीबियन इज डैश. राइट आंसर इज ए टोड्स. लास्ट टाइम फ्रॉग मैंने लिख दिया था लेकिन वो ऑप्शन किसी ने कहा था कि नहीं है, तो टोड्स जो है ये वाला सेम एमसीक्यू रिपीट हुआ है. और ये मैंने फर्दर भी लिखती हैं कि फ्रॉग्स हैं, टोड्स हैं, सलमेंडर और सेलसराइन जो भी हैं, ये चीज़ें जो है इस पर कंसिडर होती हैं. इफ द वर्क डन इज अगेंस्ट फ्रिक्शन, सो इट विल बी नेगेटिव वर्क डन. कैपेसिटर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू स्टोर वाट, सो राइट आंसर इज बी इलेक्ट्रिक एनर्जी. एक्सरे शो मूवमेंट टू लाइट रे डैश. राइट आंसर इज ए पैरेलल. यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी इज एम्पियर्स पर स्क्वायर मीटर, या फिर इसको आप ए अपॉन मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं. पॉजिट्रॉन इज हैविंग इक्वल मास एज अ, राइट आंसर इसका है इलेक्ट्रॉन. गामा रेस आर, राइट आंसर इज सी फोटोन. इफ द स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट इज डिफरेंट, द रिएक्शन इज कार्ब. राइट आंसर इज ए हेटेरोजेनियस रिएक्शन. इफ द अमाउंट ऑफ एडीएच इज डिक्रीज्ड, व्हाट विल हैपन? Right answer is A large amount of urine. How many main types are there of covalent bond? Right answer is A2. कौन सा polar और non polar? What supplies fundamental material for growth of body? Right answer is A nutrition. That's it for this video. Thank you.